ये है जी गोवा का टीटोस लेन, लेडीज वॉक इन विद अ स्माइल। भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको थाई स्पा और ये स्पा और वो मसाज और ये गर्ल आइटम गर्ल और आपकी सर्विस, भाई ये कोल्ड पोर्ट समझ जाओ। तुम पता चला यूपी बिहार पटना से आ रहे हो, यहाँ पे आके फैल मत जाना, यहाँ पे तुम फैल जाओगे तो कांड हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। वाओ नाइस पार्टी। अबे कुछ भी पहन के आ रहे हैं यार लोग, मतलब लाल हरी। तो यार ये स्कूटी है, ये ले ली थी हमने, ठीक है जी, बहुत अच्छी कंडीशन में नई है। और देखो यार कहीं पे भी मार्केट में कहीं पे भी जाओगे ना, इस तरीके से देखो दुकान होती हैं, और यहाँ पर आपको बाहर ऐसे ऐसे ना पेट्रोल पंप से पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, इस तरीके की बॉटल्स मिल जाती हैं, 120 रुपए लीटर देते हैं ये, और आप अपना पेट्रोल गाड़ी में डालो और चलाओ। और नॉर्मली क्या होता है, पेट्रोल पंप से डलवाओगे वहाँ 97-98 है, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करो अपना मिल जाती है आराम से पेट्रोल। अब यहाँ चलियो आराम आराम से, क्योंकि यहाँ पे ले रहे नजारे, चोर उठाई ग्रोह से बचा के रखना। अबे यहाँ कुछ नहीं होता, चल तो सही आराम आराम से। तो यार अभी हम जा रहे हैं टीटोस लेन में, और आज है ट्यूसडे, तो मामला बिल्कुल पड़ा हुआ है ठंडा। हालांकि अगर टाइम की मैं बात करूँ तो भैया 10:45 हो रहा है, लेकिन मार्केट देख के लग नहीं रहा कि 10:45 है, क्योंकि जब हम यहाँ सैटरडे और संडे में आए थे तो भाई साहब नज़ारे देखने लायक थे, क्राउड देखने लायक था, और जो क्लब्स में गानों की आवाज़ आ रही थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और एक भाई साहब पीछे बोल रहे हैं मसाज मसाज, तो भैया मसाज वसाज तो हमें करानी नहीं है, हमें थोड़ा सा मार्केट घूमनी है, मार्केट घूमनी है, क्राउड देखना है, इन्जॉय करना है, थोड़ा बहुत डांस करना है। ट्यूसडे है, नो बियर नो विस्की ओनली डांस, थोड़ा बहुत देख के और करके वापस आ जाएंगे। अरे भाई आज तो बिल्कुल ही क्राउड को क्या हो गया यहाँ के, आज सैटरडे में भी आए थे क्या? सैटरडे में आए थे भाई, संडे में आए थे, आज क्या हो गया, गलती करी उस दिन, वीडियो नहीं बनाई, चलो कोई बात नहीं, जितनी बनाई उतनी बढ़िया। अबे उस दिन भीड़ इतनी थी, उस दिन बनाने का मन नहीं करा, बस ये कहता ना क्राउड बहुत है, उस दिन भीड़ इतनी थी कि बस पूछो ही मत, मगर कोई बात नहीं, क्या पता। वैसे भी यार गोवा में तुम एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ पे 12-1 तो ये समझ लो कि लोग जागते हैं, शुरुआत तो 12-1 होती है गोवा की, गोवा की नाइट्स की शुरुआत होती है रात में। चलो चलो चलो, ये है जी गोवा का टीटोस लेन, लेडीज वॉक इन विद अ स्माइल, टीटोस लेन, लेडी फ्री है भाई यहाँ पे एंट्री, टीटोस पूरा खाली पड़ा हुआ है, 10:45 टीटोस खाली पड़ा, चल सीधा चल, लेडीज की एंट्री फ्री है, आई थिंक लड़कों के लिए कुछ 1500 या 2000 की एंट्री है शायद। बट हम जिस क्लब में गए थे ना कल, गोवाना क्लब गोवाना, भाई साहब अल्टीमेट जगह थी वो। गोवा इज नोन फॉर यंग क्राउड, बट ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई। ओह माय गॉड, हेलो वेलकम बैक। बैंकॉक और वियतनाम के मज़े यहाँ नहीं है भाई, यहाँ तो स्कैमर बैठे हुए एक से बढ़ के, लगानी कहीं नहीं है वे, इधर ले लगानी कहीं नहीं है, लगा देखो भाई, यहाँ से सीधा नीचे चले जाओगे तो बीच आ जाएगा, काम कर, रुक रुक रुक, पार्किंग में मत लगाइए, 100 रुपये देने पड़ेंगे। मैं गया और वीडियो बना के 5 मिनट में माँ के, तो माँ के यहीं खड़ा रहे ना, यहीं खड़ा रहे, देखो फ़ोन कहाँ करूँगा तेरे को, यहीं खड़ा रहे। ये देखो भाई टीटोस लेन, टीटोस लेन के सामने ये रास्ता जा रहा है, पता ले जाए। आज का क्राउड कुछ ज़्यादा खास नहीं है दोस्त, आज काफ़ी ठंडा माहौल है, बट कोई बात नहीं, आपको एक ओवरऑल व्यू जो देना है वो तो हम दे ही देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखो क्या ठंडा क्राउड पड़ा भाई आज, ना गाने बज रहे हैं ना म्यूजिक चल रहा है, हाँ एक ही बात है, अच्छा IPL चल रहा है भैया, IPL किसकी मैच है आज,
सही है भाई, स्क्रीन लगा दी है इधर। मैं ये सिद्धू साहब बोल रहे हैं, स्क्रीन लगा दी है, अपना कमेंट्री कर रहे हैं। और ये देख लो यार, टेबल्स वगैरह खाली है, ये देखो टेबल्स वगैरह खाली है, अपना बैठो, रात को पार्टी इंजॉय करो, यहाँ पे मैच देखो और बाकी बंदे बैठे ही हुए हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया माहौल, कई तो पैसे हैं सारे। और वैसे एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे हम लोग पूरी रात बैठे, पूरी रात क्या, हम सुबह 4 बजे गए हैं, बड़ा मज़ा आया था यार, बहुत इंजॉय किया हमने। और मतलब इंजॉय मतलब समझ ही रहे हो आप, रात भर बैठे थे तो ड्रिंक्स चल रही हैं, खाना चल रहा है, गप्पे लगा रहे हैं, 10-12 लोग दोस्त सारे एक ही फर्म में काम कर रहे हैं, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, जो नॉर्मली हर आदमी करता है वही हम सब कर रहे थे यहाँ पर, कोई ऐसा स्पेशल काम नहीं कर रहे थे। बट माहौल के पैसे हैं भाई साहब, यहाँ बैठो फुल इन्जॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। चीयर्स, 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 चीयर्स टू गुड लाइफ। यूट्यूब में डाल देना तू, सब जाएगा यूट्यूब पे। चीयर्स, चीयर्स। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे होते हैं भाई साहब एक से बढ़ के एक स्कैम। अब वो स्कैम किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं वो, यार देखो मेरा फैमिली शो है, फैमिली चैनल है, मैं यहाँ पे इतना खुल के उस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता। कभी मुझे लगेगा मैं आपके लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दूँगा, उस पॉडकास्ट में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि क्या सीन रहता है। मगर अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भाई साहब बहुत तरीके के स्कैम होते हैं, तो किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। ये गोवा है, बैंकॉक नहीं है, यहाँ पे इतना फ्रीली चीज़ें नहीं होती हैं जैसे बैंकॉक में होती हैं या वियतनाम में होती हैं या बाकी अदर कंट्रीज़ में होती है। यहाँ पे होगा आपके साथ स्कैम, ठीक है ना। तो अभी चलता हूँ मैं वापस, बीच मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ पीछे की तरफ, देखते हैं फिर वहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे। थोड़े बादल बादल हैं, धूले बरसे बरसे भी गए यात्रा। तो भाइयों ले देके वापस टीटोस लेन में आ गए हैं, बिकॉज टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:15 और आसपास के जो ठेके हैं वो हो चुके हैं बंद। तो अब किसी ने बताया है कि टीटोस लेन में चले जाओ, वहाँ पर एक ठेका आपको ओपन मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है यार, एक आध बियर पकड़नी है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, पीने के लिए, वो पी के और अपना वापस होटल चले जाएंगे। बिकॉज़ अब यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा रात को नाइट वाइट पार्टी वार्टी तो हो नहीं रही है, तो बस एक एक बियर लेके एंजॉय करके अपना घर जाएंगे, सॉरी होटल में जाएंगे, सोएंगे और सुबह उठ के अपना वापस काम पे लगना है भैया, जिस काम से आए हो वो तो करना ही है ना। वाओ नाइस पार्टी। पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीरू पार्टी ऑल नाइट। चलो भाई इसका भी अलग मजा है। अब कुछ भी पहन के आ रहे हैं यार लोग, मतलब लाल हरी, ये मैंने करा था 2 दिन पहले मछली वाला काम। क्या क्या करा? अरे वो फिश स्पा होता है ना, वो पैरों में छोटी छोटी मछलियाँ आ जाती हैं, वो करा था। गोवा का यही मजा है, स्कूटी ले लो रेंट पे, बंदा बिठा लो साथ में जो ड्राइव करता रहे और तुम पीछे फोन पकड़ के लगे रहो भाई अपनी ऑडियंस को गाइड करने में, क्या करना है क्या स्पेशली नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम करने तो आते हो लेकिन तुम्हारी हो नहीं पाती और फिर बाद में तुम कहते हो यार मज़ा नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इन डिटेल बात करूँगा आपसे, कमेंट करोगे ना अगर पूछोगे कुछ तो भाई सीधा सीधा बता दूँगा। यहाँ पे स्कैम्स बहुत होते हैं, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन जो है, जो तुम चाहते हो कि भाई जो सर्विसेज फैसिलिटीज़ तुम्हें इंडिया से बाहर मिलती हैं वो तुम्हें इंडिया में मिले, स्पेशली गोवा में मिले, फिर वो तुम्हें मिल नहीं पाती, फिर तुम डिसअपॉइंट होते हो, फिर कहते हो यार गोवा में मज़ा नहीं आया। गोवा में अगर पार्टी करने आ रहे हो, बीचेस देखने आ रहे हो, रिलैक्स करने आ रहे हो, बियर पीने आ रहे हो,
कोई दिक्कत नहीं है भाई, फुल ऑन फुल मज़े हैं, सब बढ़िया रहेगा। अगर एक्सपेक्टेशन तुम्हारी बहुत हाई है फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मैं अभी से माफ़ी भी चाहता हूँ। खाली पड़ा है यार, 11 बजे भी क्राउड ना दिखे अगर तो समझ जाओ कि गोवा खाली है। अगर रात को 11 बजे भी आपको क्राउड देखने को ना मिले तो समझ जाओ भैया गोवा खाली है। और अभी मेरे को किसी ने एक चीज़ और बताई है कि गोवा में ना इस समय आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता। वो बेसिकली क्या होता है कि वो इलेक्शन से पहले जो एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है ना वो लग जाती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि लोग ना फिर ट्रैवलिंग इतना कम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है ना तो उसका एक सिंपल रूल होता है, लेट नाइट पार्टीज़ नहीं हो पाती ज़्यादा बहुत खुल के, ठीक है, रोड्स पर आप इतना लेट नाइट फ्रीली बाइक गाड़ी नहीं चला सकते, तो वो सब चीज़ों का ड्रामा थोड़ा सा रहता है इलेक्शन के टाइम पे। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर आके तुम ये काजू वाजू खरीदते हो ना भाई, सोचते हो कि यहाँ पे काजू, देखो कितने काजू पैकेट के पैकेट रखे हुए हैं, तुम्हें लगता है यार यहाँ पे काजू सस्ते मिलते हैं, काजू बढ़िया मिलते हैं, देखो काजू की दुकान, तुम्हें लगता है काजू की दुकान बहुत होलसेल रेट पे है ना भाई। मेरे को यहाँ के ना, मैं 4 दिन हो गए रहते हुए, मुझे यहाँ पे ना खेल समझ में आ रहा है भाई, ये ना नकली काजू बनता है, ठीक है, ये ओरिजिनल काजू नहीं होता, ये सब मशीनों में बनता है, इसमें मैदा होता है, इसमें आटा होता है और इसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करते हैं। काजू की फैक्ट्री लगा रखी है यहाँ पे लोगों ने काजू बनाने वाली, और यहाँ पे सब नकली काजू बनता है और तुम उसको भर भर के लेके जाते हो, उससे तुम्हें कोई फ़ायदा होता नहीं है और इन लोगों को जो है जेबें भर रहे हो तुम यहाँ पर आके। मैं तो यही बोलूँगा 500-600 वाले जो काजू है ना वो तुम यहाँ से ना ही लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे भाई एक स्कैम ये भी है कि आपको असली काजू के रेट पे नकली काजू पकड़ाया जा रहा है। भाई ने कहा बताइए। वाओ भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको थाई स्पा और ये स्पा और वो मसाज और ये गर्ल आइटम गर्ल और आपकी सर्विस, भाई ये कोल्ड पोर्ट समझ जाओ, मगर थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है ना। यहाँ पे स्कैम करने में लोग बहुत एक नंबर होते हैं, तुम पता चला यूपी बिहार पटना से आ रहे हो, यहाँ पे आके फैल मत जाना, यहाँ पे तुम फैल जाओगे तो कांड हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। आगे समझाता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा। तो जी टीटोस लेन का नज़ारा देख लो भाइयों, और यहाँ पे टैटू वैटू का बड़ा कल्चर है भाई, लेकिन मैं यही एडवाइस करूँगा अगर टैटू शैटू बनवाना है तो किसी प्रोफेशनल बंदे से ही बनवाना जो आर्टिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हर बंदा जिसके हाथ में मशीन है टैटू बनाने की वो आर्टिस्ट नहीं है, ये समझो आप। हर बंदा जिसके हाथ में कैंची होती है वो बार्बर नहीं होता, ना ही होता है वो, हेयर स्टाइलिश नहीं होता वो। तो जितना फ़र्क एक बार्बर में और हेयर स्टाइलिश में होता है ना, उतना ही फ़र्क यहाँ पे टैटू वालों में होता है। बंधन कड़की चल गई डिंग, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चल। सही है यार, गाने वाने बजते हैं तभी आता है मजा। ले लें बियर क्या पिए? अरे नहीं यार, यार भाभी के बना ले, साले आवाज जा रही सब, वो तो गाना लगा ले। ये गोवा की रातें मोहित भाई के साथ चल रही है लग्जरी।